सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से जन जन की आवाज सब तक पहुंचे आपके साथ सदर जय जिनेन्द्र के साथ। आज का दिन है गुरु पूर्णिमा, गुरुवर देख रहे हैं आप। गुरुवर की छवि गुरुवर में नजर आती है, जैसे वही चाल वही रूप वही सब कुछ एकदम वही एक्शन पर रिएक्शन दिखता है। कहते हैं एक गुरुवर को हमने हृदय में लिया और दूसरे के साक्षात दर्शन करते हैं, बस गुरु पूर्णिमा में यही संकल्प करते हैं कि जो गुरुवर ने बताया है हम श्रावकों के लिए उस मार्ग पर बढ़ते रहें और यही उनकी याद में स्मृति गुरु पूर्णिमा बनानी हमारी सार्थक हो जाएगी। तुंगे तुंगे के अंदर एक तो बात अच्छी हुई कि हमारे बोलने से चाहे कड़वा लगा हो कम से कम कमेटी ने हरकत में आकर वहां पर उसे पर्यटन बनने से रोक दिया, नहीं तो जी का जंजाल बन गया था पर्यटन के रूप में। अब तो लोग शराब पी के आने लगे थे, गुटखा सिगरेट सब कुछ, अरे रोमांट के लिए रोमांस, आप जो भी कहें रोमांस के लिए कहें रोमांटिक कहें लैला मजनू कहें कुछ भी कहें, उसका अड्डा बन गया था वह। पर अब यह देख रहे हैं आप बरसात में यह प्रतिमाएं जो हमें एक सज्जन ने भेजी है और कहा है कि मांग तुंगी प्रशासन को वहां की कमेटी को इसके बारे में जगा दीजिए, बारिश का पानी सीधा प्रतिमाओं के ऊपर आ रहा है। एक प्रतिमा तो ईंटों के ऊपर रखी है जो यहां दिखाई है वीडियो में। प्रशासन से कमेटी से यानी प्रशासन मांगे तुंगी का, उम्मीद करते हैं कि प्रतिमाओं का ये जो असम्मान हो रहा है निरादर हो रहा है इसको बचाएंगे, सुरक्षित रूप से अंदर विराजमान करेंगे। इस तरह से खुले में प्रतिमा का शरण होता है और सबको दिखता है कि बहुत बड़ा निरादर होता है। आपके तरह भाग जो जागरूक भाई है उसने ही हमें क्लिप भेजी है। आलोक शर्मा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कब की है वीडियो कब क्लिप भेजी है ये हम नहीं कह पाते क्योंकि इस बारे में स्पष्ट नहीं हुए, पर इसमें जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं जैनों के लिए कह रहे हैं हिंदू। अभी है ना योगी जी ने जो करा है कि वहां पर कह दिया जो कावड़ का रास्ता है उसमें सब सब अपने अपने नाम लिखो कौन खलील है और कौन और है पता चल जाए। यहां पर जो ये इंटरव्यू कह रहे हैं प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि मुस्लिमों के नाम पर हिंदू और जैन मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, यानी उसकी बात यहां बताते हैं। पर हमें स्पष्ट कर दें एक आदमी या दो आदमी की गलती से पूरा समाज नहीं हो जाता है। अगर इस तरह से चुन चुन कर कहने लगे कहीं पर रेप हुआ तो वह सारा समाज रेप करता है, एक चोरी हुई तो वह सारा समाज चोरी करता है, ऐसा नहीं कह सकते। सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं, इनको क्षमा मांगनी चाहिए अपनी इस बढ़ती और गलत जुबान पर। सुनिए जरा चैन समाज इसकी मांग करता है, नहीं तो फिर चैन समाज को कोई ना कोई इनके विरुद्ध कहना पड़ेगा कि ऐसी गलती ना करिए जिसे अपनी बात को ऊंचा करने के लिए पूरे पूरे धर्म और समाज को नीचा करना दिखा दे, यह बहुत बड़ी गलत बात है। सुनिए जो मीट एक्सपोर्टर्स हैं वो हिंदू ही हैं सारे या मुस्लिम ही हैं ऐसा कह सकते हैं, नाम मुस्लिम रखे हुए हैं चला जैनी रहे हैं उनको या हिंदू चला रहे हैं। जो मीट एक्सपोर्टर्स हैं वो हिंदू ही हैं सारे या मुस्लिम ही हैं ऐसा कह सकते हैं, नाम मुस्लिम रखे हुए हैं चला जैनी रहे हैं उनको या हिंदू चला रहे हैं। जिस तरीके से एक क्षत्रिय होता है ना जो असली क्षत्रिय है वे अपने घाव को कभी भरने नहीं देता जब तक उसके बारे में उसका बदला पूरा नहीं हो जाता, उसकी खास बात होती है। इसी तरीके से हमें भी अपने याद रखना पड़ेगा कि गिरनार में इस बार हमसे क्या सलूक किया गया है, हमारी जेबों की तलाशी लेके हमारे द्रव्य को बाहर निकाल दिया गया, सड़कों पर डाल दिया गया, इस बारे में देखना होगा। हमें अपनी आवाज हर तक पहुंचानी होगी। चैनल महालक्ष्मी हमारे आप देख चुके थे पत्र जो हमने राष्ट्रपति महोदय शुरुआत की थी, टी क्षेत्र कमेटी ने भी इसकी बात बता दिया है, उनके साथ भी हम अगुवाई कर रहे हैं, हर प्रशासनिक अधिकारी के पास प्रयास कर रहे हैं, हर सांसद के पास मंत्री के पास एक पत्र तैयारी हो रहा है वह सबको भेजा जाएगा। और यहां पर जैन एकता मंच ने जो मुहिम में घोषणा की थी ना कि हम किसी सांसद से शुरुआत करेंगे अपना विरोध प्रकट करने की प्रयत्न, तो यह अपना ज्ञापन उन्होंने दिया है बिजनौर के सांसद चंदन चौहान जी को। प्रयास यही रहे कि इसके बाद लोकसभा यानी संसद तक पहुंचे राज्यसभा तक पहुंचे जीरो आवर में इसके बारे में प्रश्न जरूर हो। यही भावना भाई अपने जगह जगह आप अपने सांसद को अधिकारियों को पत्र दीजिए, हर की जागरूकता हो जानकारी मिले कि जैनों के साथ क्यों यह गलत हो रहा है। भाई भाई में झगड़े चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे की खींचतान देख रहे हैं। ये वीर के वंश किताब थी, इसमें श्वेतांबरों ने सब सारे जैन तीर्थ दिगंबर सब के नाम और बहुत कुछ लिख दिया, मानतुंग श्वेतांबर थे बहुत कुछ लिख दिया। अब इसके बाद दूसरे के साथ आइए जो देख रहे हैं आप,
महावीर पाठ परंपरा। इसके अंदर भी जब चैनल महर्षि पढ़ रहा था तो 70वें पेज पर आंख अटक गई, खटक गई। देख 70वां पेज आप देख रहे हैं, समंत भद्र स्वामी के बारे में है। अच्छा तो जानते ना आप, रत्न श्रावकाचार्य जी ने लिखा और बहुत लिखे उन्होंने ग्रंथ, प्राकृत व्याकरण उन्होंने बनाई थी, उनके बारे में लिखा गया है। ये देख रहे हैं पेज आपका दिग्विजय है आपको, 16वें आचार्य में उन्होंने कह दिया समंत भद्र सूरीश्वर जी बता दिया उन्हें और कह दिया इन्होंने ये दोनों में मान्य है, पर उन्होंने दीक्षा जो ली थी उन्होंने चंद्र सूर्य जी से ली थी दीक्षा। गजब की बात है कि इस तरीके से हम किस तरह संतों को बदलते हैं, फिर बांध के उनके काव्य शास्त्र सारे अपने हो जाते हैं। और साफ इन्होंने फिर दो पन्ने में इतिहास देने बाद फिर कह दिया अगले पन्ने पर, उनके बाद चौथे पन्ने पर कि उन्होंने का काल धर्म हुआ कहां पर, शत्रुंजय तीर्थ पर। जो देख रहे हैं आप, सोचिए जरा किस तरीके से इतिहास को बदलने की हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। भाई भाई ऐसा मत करो, अरे अपने इतिहास को अपने पास रखो, दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो, इससे कोई अच्छी बात नहीं है। अपनी संस्कृति छोटी होती है, एक नए रूप में जन्म लेती है और प्राचीनता उसकी खत्म होती है। और अब ऋषभ विहार की बात कर लें, जी हाँ, जहां पर पिछली बार आचार्य सुनील सागर जी का चतुर्मास हुआ था, इस बार सारा को धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी सुशिया गणियारी का आशमती माता ससंग उनका 5वां चतुर्मास इस बार ऋषभ विहार में देख रहे हैं। प्रवेश से दृश्य आपको दिखा रहे हैं, आज दोपहर को ही स्थापना हुई यहाँ पर और दो दिन पहले से यहाँ पर भक्तामर विधान शुरू हो गया है। 4 सितंबर से लेकर 19 जुलाई शुरू हुआ, 4 उसमें भी आप बैठिए, सुबह सुबह की बात, और कहते हैं आनंद के साथ पुण्यार्जन साथ में मिलती है उसकी सौगात। देख रहे हैं आप आशमती माता जी ससंग का प्रवेश के बाद यहाँ पर स्वागत आमंत्रण और भक्तों की भक्ति, विशेषकर महिलाओं की, कहते हैं वही तो है नारी शक्ति जो आप देख रहे हैं यहां पर। अब 4 माह के लिए एक बार फिर ऋषभ विहार में धर्म ज्ञान की गंगा बहेगी, आइएगा जरूर कभी भी, और विधान में भी आप भाग ले सकते हैं, संपर्क करिए कमेटी से। और अब बात करते हैं एक परंपरा की, चाहे श्रमण इसमें हो, श्रमण परंपरा में आप कहें अपने इधर या वैदिक में हो, रस्म पगड़ी की। जब किसी का देवलोक होता है तो उसके सबसे वरिष्ठ सदस्य को वह पकड़ी उसके अनुसार मिली जाती है, यह परंपरा चल रही है। लेकिन भोपाल के अंदर ये अब देख रहे हैं लाल घाटी का शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में, अभी 17 तारीख की घटना है कि यहाँ पर सुनील कुमार जैन जी का देवलोक हो गया, उनका कोई पुत्र है नहीं, तो यहाँ पर उस परंपरा को तोड़ते हुए एक नई बात करते हुए यशी और शुभ दो पुत्रियां हैं उनको पगड़ी दी गई, एक नई परंपरा। कहते हैं जब बेटी को बेटे के बराबर समझते हो तो वह दर्जा क्यों देते हो, अच्छी परंपरा है कि इसमें यह नहीं कि सिर्फ बेटे या वरिष्ठ सदस्य का जगह है, बेटी का भी उतना है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ, बस इस चतुर्मास में कुछ अर्जन कीजिए और अपव्यय का विसर्जन कीजिए, सदुपयोग उपयोग इसको ध्यान रखिएगा और तीर्थों की सुरक्षा का एक संकल्प तैयार रखिएगा। साधन जय।